So, इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या पर्पज है, व्हाई आपका क्लियर करने वाला हूँ कि क्यों फेसबुक एड्स का जो कोर्स है वो आपको पूरा करना चाहिए। मैं पूरी चीज आपको फ्री में सिखाने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं आपका व्हाई क्लियर करूंगा कि क्यों फेसबुक एड्स। सो लेट्स गो। सो माय नेम इज टीए एंड यू आर वॉचिंग एज यूजुअल ऑनलाइन मनी। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको आगे फेसबुक एड सीखना है या नहीं। प्लीज कमेंट करें, बिकॉज आपका कमेंट और लाइक ये दो चीज मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए डेली वीडियोस बनाने के लिए। तो मेक श्योर ये दो चीज जरूर करें। और भूले भट के आप इस चैनल पे आ गए हैं तो मैं बता दूं, इस चैनल पे आपको बेस्ट आइडियाज मिलते हैं जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, प्लस आपको बेस्ट चीजें मिलती हैं जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं डीपली और बहुत ही क्लियरली, राइट। सो अभी हम लोग का चल रहा है फेसबुक एड और ये है फेसबुक एड्स का पार्ट टू, फेसबुक एड्स मार्केटिंग। आने वाला समय आज से एक दो साल बाद, मतलब 2021-22 से आप देखोगे कि फेसबुक एड्स और जो डिजिटल मार्केटिंग के एड्स हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होने वाले हैं, बहुत ज्यादा। तो मेक श्योर कि आप इन दो सालों में अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर लो, लर्निंग कर लो, कोर लर्निंग कर लो, बाकी बाद में आप और रिसर्च करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अभी आपका बेस और फाउंडेशन क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि आप देख रहे हो जियो आने के बाद बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। बट फेसबुक एड ही क्यों? सबसे पहली बात, इंडिया में सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, 270 मिलियन यूजर हैं। गाइज, इस नंबर को लिटरली आप लिख कर देखो, राइट। मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं, अगर मैं इंडिया से बाहर जाता हूं तो बिलियंस में यूजर है, राइट। लेकिन अभी मैं इंडिया की बात करूं तो 270 मिलियन यूजर हैं और डेली के जो यूजर हैं वो 20 से 24 मिलियन यूजर, राइट। डेली जो लॉग इन करते हैं और फेसबुक को चेक करते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, राइट। तो ये जो लोग हैं, आप इनकी जो क्वांटिटी है उसको लिख कर देखो लिटरली पेपर पे, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको पता चलेगी कि फेसबुक की औकात क्या है, राइट। और दूसरी चीज, फेसबुक हमें सिर्फ जानता ही नहीं है, हमें पहचानता है, राइट। हम कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, हम किससे क्या बात कर रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं, फेसबुक को सब कुछ पता है। मतलब डाटा का ब्रह्मांड है उसके पास, समझ लो, डाटा का ब्रह्मांड। ये औकात है फेसबुक की, लिटरली मैं जो आपको बता रहा हूं इस लेवल पे है फेसबुक के पास डाटा, राइट। दूसरी चीज जो है वो है कि फेसबुक एक ऐसा ऐप है जो पूरे वर्ल्ड में नंबर वन पे है डाउनलोडिंग में, पूरे वर्ल्ड में। और पता है आपको दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे फेसबुक का मैसेंजर। दोनों ही चीज फेसबुक के, फेसबुक का ऐप और फेसबुक का मैसेंजर। तीसरा जो चीज है गाइज, व्हाट्सएप, जिसपे आप दिन भर में नहीं भी तो 100 से ज्यादा बार उसको ओपन करते होगे, स्टेटस देखते होगे, किसी से चैट करते होगे, 100 से भी ज्यादा बार उस पर आप अपनी फोटो शेयर करते हो। आपको पता है कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किसी को चाहिए तो आप उसको शेयर कर देते हो, वहां से प्रिंट करवा लेता है या कुछ भी करवा लेता है, राइट। तो ये जो डाटा है का क्या लगता है आपको कहाँ जा रहा है? ये भी फेसबुक के पास जा रहा है, फेसबुक इसको स्टोर करके रख रहा है। फेसबुक बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, उसे पता है कि डाटा की वैल्यू क्या है, वो उस चीज को स्टोर करके अपने पास रखा हुआ है, राइट। क्यों? क्योंकि वो हमें यूज करेगा। किसमें यूज करेगा? यही जब आप एड लगाओगे ना तो डिटेल्ड फेसबुक हमें क्या करता है, कैप्चर करता है, टारगेट करता है, किससे? यही सब डाटा से। और आपको पता है कि बहुत ही जल्द व्हाट्सएप में भी आप देखोगे आफ्टर द स्टोरी जैसे इंस्टाग्राम में और फेसबुक में देखते हो आफ्टर द स्टोरी एड्स आते हैं, वैसे ही बहुत ही जल्द आपको व्हाट्सएप में दिखने वाले हैं एड्स, राइट। तो आप सोचो कितना ज्यादा ये गेम बढ़ता ही चला जा रहा है। व्हाट्सएप के यूजर कितने हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, बिलियंस में यूजर है, बिलियंस में। और जियो के आने के बाद इंडिया में भी यूजर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, मतलब ये जितने तेजी से बढ़ रहे हैं उतना आपका मार्केट ब्रॉड होते जा रहा है, राइट। और जो चौथी ऐप है फेसबुक के पास वो है इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम को मैं बोलूंगा मार्केटिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग हब, राइट। आज के समय में इंस्टाग्राम में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनिक रीच पूरी तरह से डेड है, मैं बोल सकता हूँ आप पूरी तरह से ऑर्गेनिक रीच डेड है। अगर आप वहां अपना ब्रांड बनाने जा रहे हो तो आपको इनऑर्गेनिक, इसका मतलब कि एड्स का यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है।
अगर आप एड्स का यूज नहीं करोगे लिटरली आपका चांस है ही नहीं, चांस 0.000 है कि आप आगे बढ़ोगे, राइट? ये चांस है। तो गाइस फोकस करो फेसबुक एड्स पे, इसीलिए मैं आपको फेसबुक एड्स सिखा रहा हूँ जिसकी कीमत अगर मैं आज ही उसको सेल करने जाऊं तो इंडिया में $200 पे मैं उसको सेल कर सकता हूँ, मतलब 14,000 से 15,000 रुपए। बट मैं आपको इसको पूरा फ्री सिखाने वाला हूँ, इसीलिए मैं आपका वाई क्लियर कर रहा हूँ कि फेसबुक एड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट? फेसबुक एड इस लेवल पे है, इस लेवल पे उसका डाटा है और इस लेवल पे उसके पास लोग हैं जो पूरा जो माइंडसेट गेम है, जो माइंड को क्या बोलते हैं, आपके माइंड को पूरी तरह से चेंज कर देंगे, राइट? इस तरह के उसके पास डाटा है, इस लेवल पर उसके पास डाटा है, राइट? पूरे आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग की जाती है आपकी कि आप उस चीज को देखें जिस चीज को फेसबुक दिखाया जाता है। तो इस लेवल का कॉम्पिटिशन, इस लेवल की अथॉरिटी और इस लेवल का डाटा है फेसबुक के पास, और कॉम्पिटिशन भी आपको पता ही है कितना अच्छा है फेसबुक में, राइट? तो आपको बेसिक से सिखाऊंगा, बेसिक से समझाऊंगा कि ऐसे ऐसी चीजें होती हैं, तो और आपको और भी और रिसर्च करना होगा ताकि आप मास्टर कर सकें फेसबुक एड्स को। और बिलीव मी आफ्टर दिस कोर्स आई थिंक 30-50 वीडियोस आएंगे और आफ्टर दिस कोर्स आप मास्टर होंगे फेसबुक एड्स के। बट डिपेंड करता है आप पे कि आप उस पर कितना रिसर्च और वर्क करते हो। फोर मेजर एप्स विद फेसबुक, राइट? फोर मेजर एप्स जो फेसबुक के हैं, बट एक और ऐप टिकटॉक, जो अभी उड़ती उड़ती खबर आ रही कि टिकटॉक को भी फेसबुक हायर, मतलब सॉरी हायर बोल रहा हूँ, मतलब बाय करने की कोशिश कर रहा है, ये खबर आ रही है। बट टिकटॉक वाले भी जो हैं वो भी समझ गए हैं कि क्या पावर है डाटा की, लोगों की, ट्रैफिक की, तो वो भी कुछ अलग ही गेम बनाने में लगे हुए हैं। बट ये खबर जरूर आ रही है मीडिया में, मार्केट में बार बार, कि फेसबुक बहुत बार ट्राई कर रहा है कि वो टिकटॉक को भी खरीद ले। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बट अभी भी फेसबुक के पास चार बड़े मेजर ऐप हैं जो कुछ भी कर सकते हैं और डाटा लेवल यहां तक का। तो दोस्तों फोकस करो फेसबुक ऐड पे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल और आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा और भी डीप में जाके, पूरा फाउंडेशन से डीप में जाके, कि एक न्यूबी भी फेसबुक ऐप को ऑपरेट कर सके, राइट? फेसबुक एड्स को ऑपरेट कर सके और इजी किसी भी क्लाइंट के लिए, एजेंसी के लिए काम कर सके और फ्रीलांसिंग कर सके, प्लस अपना भी अगर वो एफिलिएट मार्केटिंग या किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग या किसी भी आदमी की पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहता है तो वो कर सके, हर कुछ, मतलब एक न्यूबी, राइट? उस लेवल पे मैं एड्स को सिखाने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।